व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कार्तिक, वेलकम टू माय फिटनेस। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ जिसमें बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे जिम में कि क्या खाना चाहिए बिफोर वर्कआउट, कैसे खाना चाहिए, कितने टाइम पहले खाना चाहिए तो वर्कआउट अच्छा हो सके, वर्कआउट बेहतर हो सके, परफॉर्मेंस अच्छा हो सके वर्कआउट में। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो न्यूट्रिशन है एंड वर्कआउट है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपको एक्सरसाइज पहले ऐसा कुछ खाना है जिससे आपको एनर्जी मिले वर्कआउट में, वर्कआउट में एनर्जी वो फूड में से मिलती है तो आप अच्छा वर्कआउट कर पाए, लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट कर पाए और परफॉर्मेंस अच्छा रहे आपका वर्कआउट में। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपके जो फूड आपने खाया है उसमें कौन से न्यूट्रिशन है, क्योंकि वर्कआउट हम करेंगे तो बॉडी यूज करेगी एनर्जी को जो फूड खाया है उसमें से। अगर आपके फूड में अच्छे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन डेंस फूड नहीं होगा तो आपको वर्कआउट में मजा नहीं आएगा और वर्कआउट आपका अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप हैवी मील लेते हैं, लार्ज मील लेते हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटा वेट करना पड़ेगा वर्कआउट से पहले। अगर आप तुरंत वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से वर्कआउट में और आपको ब्लूटिंग महसूस होगी, आप हैवी फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे एंड बहुत केसेस में वॉमिटिंग भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपके जो एब्डोमिनल एरिया पे प्रेशर पड़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपको वॉमिटिंग आ सकती है, फूड रिफ्लक्स हो सकता है, मतलब कि ऊपर आपकी चेस्ट एरिया में फूड आ सकता है, एसिडिटी हो सकती है आपको। अगर तुरंत आपको खाना है, 1 घंटे के अंदर अंदर खाना है तो आप कोई लाइट स्नैक ले सकते हैं, हाई प्रोटीन हाई कार्ब्स एंड लो फैट वाला डाइट ले सकते हैं, जैसे कि पीनट बटर सैंडविच ले सकते हैं, वे सैंडविच ले सकते हैं, प्रोटीन शेक ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं या फिर ओट मील ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। ये थोड़े आइडियाज है आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको खाना है बिफोर वर्कआउट। ये जो सारे मैंने स्नैक्स आइडिया दिए वो है हाई प्रोटीन हाई कार्ब्स है, तो इससे क्या होगा कि आप वर्कआउट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वर्कआउट में आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, लॉन्ग टाइम तक आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे और आपका वर्कआउट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मसल गेन करना है, वेट गेन करना है और आप अगर स्नैक नहीं करेंगे फास्टेस्ट, मतलब कि खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो एनर्जी चाहिए बॉडी को वर्कआउट करने के लिए वो एनर्जी बॉडी कहाँ से लेगी, आपका मसल लॉस करेगा और जो आपकी जो बॉडी में जो फैट है उसको यूज करके एनर्जी मिलेगी आपको, तो आपकी आपका वेट गेन जल्दी नहीं होगा, मसल गेन जल्दी नहीं होगा। जो आपको एनर्जी चाहिए वो फूड में से मिलेगी, आपको फूड अच्छा स्नैक खा के फिर वर्कआउट करना है। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए अलग डाइट है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। होप कि इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए माय फिटनेस, और बाजू में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस करिए तो मेरा एक भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, सी यू वेरी सून।